फ्रेंड जय जिनेन। आज हम बना रहे सूजी। सूजी सब लोग बनाते हैं, सबको आता है, लेकिन आज मैं थोड़ा अलग तरीके से बना रही हूँ। मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए मैंने सूजी का घोल पहले घोल दिया। इसकी रेसिपी मैं बताना भूल गई, लेकिन जिस प्रकार आप सूजी का घोल बनाते हैं उसी प्रकार बनाना है। ये मेरी 4 कटोरी सूजी थी और मैंने 1 कटोरी इसमें दही डाला था। खट्टा दही हो तो और अच्छी हमारी इडली बनती है, और यदि आपके पास जैसा दही है आप वो डाल सकते हैं। और टेस्ट के अनुसार मैंने नमक डाला था, उसे 1 घंटे के लिए मैंने भिगो कर रख दिया था मिक्स कर। इस प्रकार से इसी प्रकार आप बनाते हो, यदि नहीं बनाते हैं तो इसी प्रकार आप बनाएं। आज हम इसे वेजिटेबल इडली बनाएंगे। बच्चे सब्जी खाना कम पसंद करते हैं, तो इस प्रकार से हम इडली बनाएंगे तो बच्चे खा लेंगे बड़े शौक से। उनको पता भी नहीं चलेगा कि हमने इसमें सब्जी डाली है, पता तो चलेगा, लेकिन कलरफुल हमारी एकदम इडली बनेंगी, बहुत बढ़िया। इसके लिए मैंने 1 टमाटर लिया एकदम लाल सा, इसको काट कर, या तो आप एकदम बारीक बारीक काट लें, यदि आपके पास इस प्रकार से चॉपर है तो आप चॉपर में काट लें। तो मैंने 1 टमाटर लिया है, इसको मैं इसी में चॉपर में डाल दूंगी। 1 मैंने शिमला मिर्च ली है, थोड़ा सा धनिया लिया है, 2 हरी मिर्च ली है। यदि बच्चे तीखा नहीं खाते हो तो आप नहीं डालें। 1 टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है, और थोड़े से स्वीट कॉर्न थे वो मैंने लिए, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। बच्चों को स्वीट कॉर्न बहुत पसंद है। ये छोटू मोटू सा मेरा लौकी है, ये बहुत छोटा सा लौकी है, इसको हम डालेंगे। बच्चे लौकी खाना पसंद नहीं करते, इस प्रकार हम डालेंगे तो बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि इडली में हमने लौकी डाली है। इसी चॉपर में मैं धनिया, टमाटर, मिर्च, 1 अदरक का टुकड़ा, अदरक के टुकड़े से अच्छा टेस्ट आता है, और 1 मैंने शिमला मिर्च ली है। और भी आप सब्जी लेना चाहें ले सकते हैं, जैसे पत्ता गोभी, गाजर, जो भी सब्जी। आप मेरे पास यही सब्जियां थी तो मैं इन्हीं सब्जियों को डाल रही हूँ। मैं बना रही थी, सोचा आपके साथ भी मैं रेसिपी शेयर करूँ। ये भी हम शिमला मिर्च को भी इसी प्रकार से साफ करके इसमें डाल देंगे। और ये मैंने स्वीट कॉर्न लिए थे थोड़े से, उनको भी इसी में डाल देंगे, क्योंकि क्रश हुए स्वीट कॉर्न अच्छे लगेंगे। इस प्रकार साबुत डालेंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। अब इसका ढक्कन लगाकर इनको एकदम बारीक चॉप कर लेते हैं। आप चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं, आजकल चॉपर तो सब घर में होता है। इस प्रकार से मैंने अपनी सब्जियां चॉप कर ली, इनको साइड में रख लेते हैं। मैंने लौकी को चॉप नहीं किया, लौकी को मैं कद्दूकस से घिस लूंगी। लौकी को छील कर और मैं कद्दूकस से घिस लूंगी। ऐसे डालती तो थोड़ी ये कम अच्छी लगती, घिसने से हमारी लौकी अच्छी लगेगी। इस प्रकार छील लेंगे और इसे ग्रेटर से कस लेंगे। जिस भगोने में मैंने सूजी भिगोई मैं लौकी को डायरेक्ट उसी में कस लूंगी, क्योंकि लौकी काली पड़ जाती है। यदि हम इसमें ही कसेंगे तो हमारी लौकी काली नहीं पड़ेगी, और अलग से कसेंगे तो काली पड़ जाएगी। तो इसी प्रकार आप भी ऐसे ही कर रही थी, और आपको जैसे अच्छा लगे। मैं इस प्रकार इसी में अपनी लौकी को कस लेती हूँ। मैंने अपनी पूरी लौकी कस ली है, और जो चॉपर में सब्जियां बारीक कसी थी वो भी हम अपने सूजी के घोल में डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब इसको हम 10 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे, क्योंकि सब्जियां थोड़ा हमारा पानी छोड़ेंगी तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट इडली का घोल हो जाएगा। ये थोड़ा मुझे थिक लग रहा है, गाढ़ा लग रहा है, तो ये अच्छे से हो जाएगा। 5 से 7 मिनट में ये सब्जियां पानी छोड़ देंगी। ढककर 5 मिनट रख देते हैं। 5 मिनट के लिए सूजी के घोल को हमने रखा है, वो अपना कमाल दिखाएंगी सब्जियां। तब तक हम अपने इडली मेकर को तैयार कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। आप भी इसी प्रकार इडली बनाते हैं, प्लीज मुझे कमेंट में बताइए आप कैसे बनाते हैं। इस प्रकार की
ये वाली इडली मैं दूसरी बार बना रही हूँ। बहुत अच्छी पहले बनाई थी, बहुत अच्छी बनी थी। आप भी नहीं बनाते तो प्लीज एक बार जरूर ट्राई कीजिए। इस प्रकार से हम थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा के अपने इडली मेकर को तैयार कर लेंगे। और एक साइड मैंने इडली के कुकर को मैं पानी डालकर प्री हीट होने रख दिया। आप भी इस प्रकार रखें तो आपकी इडली भी एकदम जालीदार सॉफ्ट बनेंगी। पहले थोड़ा पानी डाल के उसे बंद करके एक बॉईल ले ले पानी की, फिर हम इडली बना लेंगे। तो उस सांचे को उसमें रखेंगे तो इस प्रकार करने से हमारी इडली बहुत अच्छी बनती है। आप भी इसी प्रकार बनाते हैं क्या? नहीं बनाते हैं तो प्लीज ट्राई करना। 5 से 7 मिनट हो गए, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें एक इनो का पाउच डालेंगे। यदि आपके पास इनो नहीं है तो आप मीठा सोडा भी डाल सकते हैं। और इसमें जब मैंने जो इनो का पाउच डाला, इसी के ऊपर 1 टीस्पून थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। इस प्रकार करने से हमारी इडली बहुत अच्छी बनती है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक ही राउंड में हमें घुमाना है, मतलब एक ही साइड इसको हमको घुमाना है और इनो पूरी में मिक्स हो जाए। इस प्रकार हमें ये करना है। इसमें थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डालेंगे। मैं पहले डालना भूल गई थी। बच्चों को ये चिली फ्लेक्स का फ्लेक बहुत अच्छी लगती है और देखने में भी अच्छी लगेंगी, कलरफुल। तो मैंने पहले डालना भूल गई थी इसलिए मैंने अब डाली है। इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑयल लगी इडली की प्लेट में हम एक एक स्पून डालकर डाल देंगे। इसी प्रकार मैं अपनी सारी इडली की प्लेट तैयार कर लूंगी। मैंने सारी इडली की प्लेट भर ली है। इस प्रकार से स्टैंड में लगाते जाएंगे। मैंने कुकर में, इडली के कुकर में पानी बॉईल कर दिया। देखो आपको स्टीम भी आ रही होगी। इस प्रकार से करने से हमारी इडली बहुत अच्छी बनती है। और ये इडली मेकर को अब इसमें हम रख देते हैं और इस प्रकार से ढककर 5 मिनट तो फुल गैस पर हमें इसे रखना है। और 5 मिनट हमें मध्यम गैस पर रखना है, मीडियम गैस पर। 10 मिनट में हमारी इडली बनकर तैयार हो जाएंगी। बीच में एक बार ट्राई कर देख लें। वैसे मेरी तो 10 मिनट बन जाते हैं, कभी कभी गैस का फर्क हो जाता है। तो इस प्रकार से तो आप बीच में चेक कर लें। 10 मिनट हम इडलियों को गैस पर स्टीम होने देते हैं। ये देखिए मैंने गैस पर को रख दिया है और ये अंदर रख दिया, इसको बंद कर दिया है। इडली हमारी बनकर तैयार है। इस प्रकार से मेरा चाकू बिल्कुल क्लियर निकल रहा है। ये देखिए बिल्कुल क्लियर। इनको हम निकाल लेते हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है प्लीज कमेंट में बताइए। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है प्लीज लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। और पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना। इनको हम बाहर निकाल लेते हैं। स्टैम्प को खोल लेते हैं। मैं अभी आपको मेरी इडली बताती हूँ कितनी अच्छी बनी है। ये देखिए कितनी फूल गई है, जो दब भी गई है ये। और इतनी अच्छी इनमें से खुशबू आ रही है वेजिटेबल की। मैं इडली स्टैंड से अपनी सारी इडलियाँ निकाल लेती हूँ। आप भी मेरी रेसिपी के बताई इस प्रकार से इडली बनाना, बहुत अच्छी लगी। इनको हम बिना सांवर और बिना चटनी के भी इसी प्रकार खा सकते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी लग रही है। आप प्लीज एक बार जरूर ट्राई करना।
इडली हमारी जब बन जाए हम चेक करते हैं चाकू से, तो उस टाइम हम गैस बंद कर देते हैं। तो इडली के स्टैंड को हमें उस कुकर में से तुरंत निकाल लेना है, उसमें ही नहीं छोड़ते। कई बार हम सोचते हैं कि 5 मिनट के लिए इसे इसी प्रकार से बंद रहने दें, तो हमारी इडली तो इस प्रकार करने से हमारी इडली का फ्लफी पकम कम हो जाता है। इसलिए आप तुरंत गैस बंद करें, तुरंत इडली स्टैंड को बाहर निकाल लें। यदि आप भी ऐसा ही करते हैं तो ठीक है, यदि नहीं करते हैं तो एक बार जैसे मैं बता रही हूँ आप उस प्रकार से करेंगे तो आपकी इडली इसी प्रकार इतनी फ्लफी इतनी रहेंगी। नहीं तो कभी आप नोट करना, वो थोड़ी देर में आप देखेंगे तो फूली दिखेंगी, और फिर आप उनको उसको बंद करके खोलते हैं तो वो थोड़ी बैठ जाती है हमारी इडली। ये आपके लिए आज की मेरी टिप एंड ट्रिक है। ये देखिए मैं इसी प्रकार खा रही हूँ, ये बहुत टेस्टी लग रही है। ये देखिए मेरी इडली कितनी अच्छी बनी है, कितनी स्पंजी। तो गर्म है अभी, हाथ में नहीं ली जा रही। ये देखिए आपको दिख रही होंगी इनमें, देखो जाली कितनी अच्छी जाली बनी है और एकदम मुंह में घुल जाने वाली। आज हम इसको चटनी से खाएंगे, आज मैंने सांभर नहीं बनाई है। और आप इनके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला या देसी घी डालकर भी खाएंगे तब भी ये बहुत टेस्टी लगेंगी। आप भी प्लीज मेरी रेसिपी जरूर फॉलो करके बनाना, और आप मेरी वीडियो देखते हैं प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगली रेसिपी में हम फिर मिलते हैं, जब तक के लिए जय जिनेन। एक में तोड़ के आपको ठंडी हो गई, मैं बता रही हूँ। ये देखिए कितनी बढ़िया कितनी अच्छी जाली बनी है और एकदम सब्जी से भरी हुई, और इसमें पता भी नहीं चल रहा कि हमने इसमें लौकी डाली है, इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है। आप भी जरूर ट्राई करना। जय जिनेन्द्र।